बांधी को इमेज स्वागत है। आज दोस्तों हम कक्षा 6 की पाठ पहला भोजन के घटक पढ़ेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भोजन भोजन के कार्य लिखो। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भोजन के कार्य लिखो। इसमें दोस्तों पहला पॉइंट है दोस्तों हमारा पहला पॉइंट है दोस्तों कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करना। हमारा दूसरा पॉइंट है दोस्तों, वृद्धि के लिए शरीर को पोषक तत्व प्रदान करना। इसके बाद में हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों, शरीर की मरम्मत एवं करना। इसमें चौथा पॉइंट है दोस्तों, हमें स्वस्थ रखने के लिए विभिन्न रोगों से बचाव करना इसके बाद में अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, संगठक किसे कहते हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों, भोजन बनाने में आवश्यक पदार्थों को संघटक कहते हैं, यानी हमें बहुत सारी पदार्थों की आवश्यकता होती है, पदार्थों को संघटक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया दोस्तों, उबले हुए चावल। इसमें दो पदार्थ से बनाया है दोस्तों, चावल और पानी से, यानी दो पदार्थ कौन कौन से हो गए दोस्तों, चावल और पानी। और इसमें दूसरा उदाहरण हो गया दोस्तों, इसका दूसरा उदाहरण है दोस्तों सब्जी में दोस्तों मसाले तेल घी सब्जी इत्यादि के संघटक होते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों हमारा, भोजन के स्रोत लिखो। पा
भोजन के दो स्रोत होते हैं। 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 पहला हो गया दोस्तों पादप स्रोत, पादप स्रोत, और दूसरा हो गया दोस्तों जंतु स्रोत। दूसरा हो गया दोस्तों जंतु स्रोत। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। पादप स्रोत के बारे में लिखो। पादप स्रोत के बारे में लिखो। पादप स्रोत के बारे में लिखो। अब पादप स्रोत की परिभाषा है दोस्तों, पौधे विभिन्न पदा विभिन्न पौधे विभिन्न संगठकों जैसे अन्न संगठकों जैसे अन्न अन्न यानी गेहूँ, सब्जी तथा फल आदि के स्रोत होते हैं। अन्न यानी गेहूँ, सब्जी तथा सब्जी तथा फल आदि के स्रोत हैं। इसका अगला परिभाषा लिखेंगे दोस्तों, भोजन का पौधे का वह भाग जिसे भोजन के रूप में खाया जाता है, खाद भाग कहलाता है, यानी खाने योग्य भाग कहलाता है, खाद भाग कहलाता है। भोजन अगला पॉइंट है दोस्तों, भोजन के रूप में पौधे के खाद भाग निम्न प्रकार हैं, यानी खाने योग्य भाग है निम्न प्रकार हैं। निम्न प्रकार है, पहला हो गया दोस्तों जड़। जड़ किसकी खाई जाती है? जड़ दोस्तों गाजर और मूली की खाई जाती है। गाजर और मूली के क्या खाया जाता है दोस्तों? मूली खाने योग्य भाग कौन सा है दोस्तों? जड़। तना, तना किस किस का खाया जाता है? गन्ना और आलू का। गन्ना और आलू का। पत्ती खाई जाती है दोस्तों, तीसरे नंबर पर लिखेंगे दोस्तों पत्ती। पत्ती खाई जाती है दोस्तों पालक और गोभी की। पालक और गोभी की। पुष्प किसका किसका खाया जाता है दोस्तों? पुष्प खाया जाता है दोस्तों कद्दू और फूल गोभी का। फूल खाया जाता है दोस्तों कद्दू और फूल गोभी का। फल, अगला है दोस्तों फल। फल खाया जाता है दोस्तों आम और सेब का। आम और सेब का। सब्जी खाई जाती है बैंगन और खीरा की। बैंगन और खीरा। सातवें नंबर पर लिखेंगे दोस्तों बीज। बीज खाया जाता है दोस्तों चावल और गेहूं का।
जड़ खाया जाता है, गाजर मूली की तना खाया जाता है, गन्ना आलू का पत्ती खाई जाती है, पालक गोभी की पुष्प खाया जाता है, कद्दू और यह दोस्तों की खाने योग्य भाग है। जड़ किसका खाया जाता है, तने किसका खाया जाता है, पत्ती किसकी खाई जाती है। फल आम सेब का, सब्जी बैंगन खीरा का, बीज गेहूँ और चावल का। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंकुरण किसे कहते हैं। हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, अंकुरण किसे कहते हैं, अंकुरण किसे कहते हैं। बीज से सफेद सफेद धागे नुमा संरचना का निकलना धागे नुमा संरचना का निकलना अंकुरण कहलाता है। जैसे मूंग और चने का अंकुरण, जैसे मूंग और चने का अंकुरण। इसके बाद में लिखेंगे दोस्तों अंकुर। अंकुर हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जंतु स्त्रोत के बारे में लिखो। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, जंतुओं से हमें दूध मांस अंडे तथा अन्य जंतु उत्पाद प्राप्त होते हैं, अन्य जंतु उत्पाद प्राप्त होते हैं। इसमें सबसे पहले पहला लिखेंगे दोस्तों दूध। दूध हमें गाय भैंस बकरी आदि से प्राप्त होता है। दूध में मक्खन पनीर घी दही तथा आइसक्रीम बनाते हैं, यानी दूध से हम मक्खन पनीर घी दही आइसक्रीम बनाते हैं।
इसके नंबर तीसरा है दोस्तों माँ, अंडा, अंडे। यह प्रोटीन से भरपूर होता है, यह प्रोटीन से भरपूर होता है, यह प्रोटीन से भरपूर होता है, भरपूर होता है। यह मुर्गी से प्राप्त होता है, यह मुर्गी से प्राप्त होता है, यह मुर्गी से प्राप्त होता है। इसके बाद में अगला पॉइंट है दोस्तों, मांस। मांस हमें 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 मुर्गी बतख बतख बकरी बकरी और मछली से मांस प्राप्त होता है, मछली से मांस प्राप्त होता है, मछली से मांस प्राप्त होता है। इसके बाद में अगला पॉइंट है दोस्तों, शहद। शहद यह पोषक पदार्थों से भरपूर होता है, यह पोषक पदार्थों से भरपूर होता है। यह मधुमक्खियों से प्राप्त होता है, यह मधुमक्खियों से प्राप्त होता है, यह मधुमक्खियों से प्राप्त होता है, से प्राप्त होता है। मधुमक्खी पालन को एपिकल्चर कहते हैं, मधुमक्खी पालन को एपिकल्चर कहते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, भोजन ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं को कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है, बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है। पहला है शाकाहारी शाकाहारी, दूसरा है मांसाहारी, तीसरा है सर्वाहारी। तीन भागों में बांटा गया है, शाकाहारी मांसाहारी सर्वाहारी। शाकाहारी के बारे में लिखेंगे, वे जंतु जो सिर्फ पौधे एवं
पौधों के उत्पाद, खाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। पौधों के उत्पाद कहलाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। शाकाहारी कहलाते हैं। एग्जाम्पल, गाय, बकरी, खरगोश, भेड़, हिरण। गाय, बकरी, खरगोश, हिरण, ये इनके उदाहरण हो गए शाकाहारी के। इसके बाद में देखेंगे दोस्तों मांसाहारी। मांसाहारी मांसाहारी ऐसे जंतु जो सिर्फ पौधे एवं ऐसे जंतु जो सिर्फ दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं। मांसाहारी कहलाते हैं। उदाहरण, बाघ, शेर और गिद्ध। बाघ, शेर और गिद्ध। बाघ, शेर और गिद्ध। बाघ, शेर और गिद्ध। इसके बाद में लिखेंगे सर्वहारी। ऐसे जंतु जो ऐस जन सर्वहारी ऐसे जंतु जो ऐसे जंतु जो ऐसे जंतु जो पादपों के साथ साथ ऐसे जंतु जो पादपों के साथ साथ अन्य अन्य जानवरों का मांस खाते हैं। अन्य जानवरों का मांस अन्य जानवरों का मांस खाते हैं। अन्य जानवरों का मांस खाते हैं। सर्वाहारी कहलाते हैं। सर्वाहारी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य, कौवा, चूहे, आदि। हेलो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो RS क्लासेस बांदीकुई को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा